डॉक्टर साहब अंदर आ जाऊं? अबे और कितनी अंदर आगा, मेरे घर में घुसेगा क्या? बैठ। लो डॉक्टर साहब मेरे शादी का कार्ड। ओ अच्छा, आना अच्छा। जरूर। हाँ जरूर आएंगे, लेकिन एक बात याद रखना, शादी के बाद हम डॉक्टरों से जरा बच के रहें। क्यों? कैप्सूल पावर ये जो सब खाते रहते हैं नहीं खानी चाहिए, गलत बात है। कान लाओ, मैं सोच रहा था कैप्सूल ले लेते। अब एक बात बताओ, बीवी ला रहा हूँ भैंस ला रहा हूँ? बात वो नहीं तो कोई बात नहीं है, चल दूसरे सोच ले। अरे डॉक्टर साहब हमारे मुजरिम को लगवा मार गया, देखना जरा। चलो आता हूँ। आ जाओ। कब मारा था लगभग इसे? जब मैं इसे चोरी कैसे पकड़ने आया था। ए? देखता हूँ। चलो हो गया पिस्टन का काम, हो जाओ खड़े आराम से आराम से आराम से आराम से। हो गया लगभग ठीक, ले जाओ इसे थाने। अबे तेरी लेके जाओ थाने। जेल ना जाने के नाटक कर रहा, पैसे तो दे दो। लाओ आ जाओ, दे दो भीगे, दे दो भीग, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, 1500-800 खुद ही सोच समझ कर दे दो, रमजानों का महीना चल लिया। हेलो, हाँ एक काम कर, मेरे इस धंधे की न्यूज को बार बार टीवी पर दिखला। अरे भाई ये कौन सा धंधा? जाल ले, टाइम है तेरे पास, बाद में पछताएगा। समझा नहीं? समझाने का टाइम नहीं है मेरे पास, चल आगे बढ़। आ जाओ। अरे भाई क्या बेच रहे हो? भिलिया कद्दू खरीदेगा। अबे देख के चलना। तो देख के चल। अबे छोड़ ले यार, इसके मुंह का लग रहा है, चल बे तू घर जा। आओ तुम आगे मुझे भीख दे दो 1500 की, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। भाई अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं भिलिया कद्दू बेच रही हूँ। मैं एक अलग ही पीस हूँ बेटे, भावनाओं में आगे बोल दूंगा, तू लौट मत ले, 1500-900 की जो भी तुझे अच्छा लगे भीख दे। हाँ बताओ, पेटीएम करो, एटीएम दोनों कर दे भाई, टाइम नहीं है यार, जल्दी कर। चलो ठीक है, अब जाओ। थैंक यू। अबे तो एक बात बता, ये कौन सा धंधा तेरा इस तरीके से भीख मांगने का? भाई यार मुझसे कुछ काम तो आता नहीं है, मैंने सोचा भीख ही मांगना शुरू कर दूं, 4 पैसे कमा ही लूंगा मध्य मध्य में। बहुत बढ़िया करने का। चल ठीक है निकल, भाषण मत दे, ले 50-50 रुपए कर लिए दोनों भाई। दे दो भीख, हो गया काम, निपट गया भाई। एक स्टिंग देना, टैग हिम। ओ इंग्लिश में, क्या बात है, काम कर, अपना पैसे बाद में दूंगा। सॉरी भाई। ओह सॉरी बोलता, इसका मतलब बेवकूफ है, मेरे पास फ्लाइट के कंडक्टर की जॉब है, करेगा? मैं ये छोटा काम नहीं करता। अबे दुनिया में बड़ा बनने के लिए छोटे से शुरुआत करनी पड़ती है पागल। सॉरी भाई। फिर से सॉरी, चल निकल ले। हाँ भाई कितने रुपए हुए तेरे स्टिंग के? 20 रुपए। तुम्हें अभी 500 का नोट दिया, 20 रुपए काट के बाकी पैसे वापसी कर दो, लाओ मुझे। इधर आ गए। कितने का नोट दिया तूने? 500 का। झूठ तो नहीं बोल लिया? भाई यार गरीब आदमी की इंसानियत पर शक मत करो। अच्छा सीसीटीवी कैमरा चेक कर लूं? हाँ कर लो। अबे जब यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ ही नहीं है तो क्या चेक करेगा बाबले? ओ भाई साहब लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा, उधर देखो। एक मिनट भाई साहब, सीसीटीवी कैमरे में चेक करने की जरूरत नहीं है यार, मैं मजाक कर रहा था। ये लो अपने 20 रुपए स्टिंग के। अब आया ना लाइन? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे थोड़ी हंसी मजाक कर रहा था, बेमान मस्त मत बैठी हूँ मुझे। हाँ देखो ये है दुकान, आओ तो मैं इस दुकान पे से पैंट और शर्ट पसंद करवाता हूँ ईद के लिए। चलो भाई साहब, ये हरकतें तो यार दलाल की होती है, क्या जमीन पसंद कर लो। चल बाकी सुनो दुकान को चलना है। अरे नहीं नहीं मतलब भाई रिलैक्स यार, दलाली तो बोला मैंने, पता हमारे गांव में दलाल को क्या बोलते हैं? MBBS डॉक्टर। आओ बात को खत्म करो, बताओ क्या लोगे? पैंट शर्ट दिखाओ। दिखा रही हूँ, लो जी देखो। हम क्यों देखे, दिखाना अपनी बीबी को? अबे कुछ तो शर्म कर यार, रमजानों का महीना चल गया, अबे इन्हें दिखाने की बात कर रही हूँ मैं। ओ मत कर ले, देख कितने पैसे हुए। 2000 रुपए। 1500 रुपए देंगे? नहीं 1500 नहीं, 800 देंगे, 700 हमारे दलाली के बजे। ओ हेलो हेलो भाई साहब, नहीं मतलब दलाली लगा लो लेकिन कुछ तो ज्यादा करो यार, बहुत कम हो रहा है 800, ये कोई बात है? चल ले 100 बढ़ा दिए, 900 रख ले। मतलब भाई नुकसान हो रहा है यार, मैं अपनी जेब से कोई दूंगा। कितने का नुकसान हो रहा? 500 का। भाई तुम एक काम करो, ये 900 रुपए मुझे दो और अपने नुकसान के ये 500 रुपए ले लो, अब ठीक है? अब ठीक है, ले दो कपड़े। ठीक है चलो। मतलब भाई यार इतने दिमाग है तुम्हारे अंदर, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो, समझदारों वाली बातें करो ना क्या यार।